आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। आप मेरे साथ देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम वीकेंड चर्चा। दोस्तों, हिंदुस्तान में कई नए कानून बनते हैं, कई नए फैसले लिए जाते हैं, पर सबसे बड़ी बात यह है जब कानून आधी आबादी के लिए बनाया जाता है, आधी आबादी से आप समझ रहे होंगे यानी महिला, वो महिला जो देश के विकास से लेकर तमाम मुद्दों तक, तमाम जरूरतों तक चर्चा में रहती है और खड़ी रहती है। इसके बावजूद पर जब महिलाओं के लाभ की कोई बात होती है तो बयानबाजी शुरू हो जाती है और विरोध तक शुरू हो जाते हैं, जैसा कि अभी हो रहा है। दोस्तों, हिंदुस्तान में 1927 में पहले जो महिलाओं की शादी होती थी तब महिलाओं की उम्र थी वो 14 साल रखी गई। उसके बाद लगातार प्रयास करते करते जो उस समय के न्यायविद, शिक्षाविद और कानूनविद थे हरबिलास शारदा, उन्होंने मेहनत करते हुए, तमाम बात करते हुए, संघर्ष करते हुए 1929 में एक प्रस्ताव पास कराया था, उसको बोलते हैं शारदा अधिनियम, जिसके तहत महिलाओं की उम्र 15 साल तक कराई गई थी जद्दोजहद के बाद। और उसके बाद 1978 में फिर इस कानून में संशोधन हुआ और उम्र की गई 15 से 18 साल, यानी महिलाओं के लिए 18 साल और पुरुष के लिए 21 साल। उसके बाद लगभग 43 साल बाद एक बड़ा फैसला आया है कि कैबिनेट में महिलाओं की उम्र 21 करने का प्रस्ताव पास किया गया है कि अब महिलाओं की उम्र शादी करने की वो 21 साल होगी। बड़ा फैसला आया, सरकार ने लिया। और ये फैसले की जो अगर मैं पटकथा बताऊं तो पिछले साल जब स्वतंत्रता दिवस था उस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान जारी किया था और बोले थे कि हम देश की आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए बड़ा फैसला लेने वाले हैं। उसके बाद जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उनके नेतृत्व में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया और टास्क फोर्स के गठन के बाद टास्क फोर्स ने दिसंबर 2020 में अपनी सिफारिश की और उसके बाद ये फैसला आया है 2021 में, यानी 43 साल बाद महिलाओं के लिए कोई सकारात्मक फैसला आया है और जिसके लेकर विरोध के स्वर भी जारी हो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि फैसला आया है और तब से फैसले से तमाम जो विपक्षी दल हैं, चाहे सपा के हो चाहे ओबीसी हो, तमाम लोगों ने इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। मुद्दा बहुत बड़ा है और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से देशबंधु दीक्षित और समाजवादी पार्टी से प्रदीप चौधरी। आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। तो सबसे बड़ी बात होती है मुद्दा इसलिए क्योंकि ये आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए है और जिस तरह से इस पर अभी हाल में ही जो संबल से सभा सांसद है उन्होंने बयान दिया था कि अगर 21 साल तक उम्र होगी तो महिलाएं आवारगी करेंगी, ये उनका बयान था जो कि विवादास्पद रहा। बाद में उन्होंने हालांकि माफी भी मांगी, कहे कि मेरे बयान को तोड़ बड़ोड़ कर पेश किया गया, पर बयान तो सबने सुना ही था, बयान उनका स्पष्ट रूप से यही था। तो जानते हैं क्या दिक्कत है और अब अगर ऐसा हुआ जा रहा है, किया जा रहा है, 43 साल बाद ऐतिहासिक फैसला लिया गया जो कि महिलाओं को एक बेहतर कल देने की बात बनाएगा, कानून बनेगा, उसके बाद जो मातृ मृत्यु दर है उसमें कमी आएगी, तमाम चीजें ऐसी होंगी जो महिलाओं के लिए सकारात्मक होंगी, पर उस पर अभी खींचतान शुरू हो गई है। तो बात करते हैं देशबंधु दीक्षित जी, क्या कहना चाहेंगे? मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके इस चैनल को मैं बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा छेड़ा। देखिए, मैं अपने भारतवर्ष की संस्कृति पर हमें गर्व है और एक भारतवासी होने पर बहुत ज्यादा गर्व है। यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, इस उक्ति के साथ आज का मैं अपनी बात कहना चाहूंगा कि जिस देश में स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। जैसा कि अभी आपने मुद्दा छेड़ा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने पहले जो महिलाओं की या लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष होती थी उसे 21 वर्ष कर दिया, तो उसके विषय में मैं कहना चाहता हूँ 18 वर्ष ऐसी परिपक्व उम्र नहीं होती है जब कोई लड़की मातृत्व को प्राप्त करे, क्योंकि आप जानते हैं तमाम ये शरीर भी एक मशीन है और कम उम्र में माँ बन के जहाँ मातृत्व में बहुत सारे गुण अवगुण आ जाते हैं
वहाँ पे किशोरों की जल्द अवस्था में शादी करने के बाद उनका कैरियर भी एक तरह से खत्म सा प्राय हो गया है। हमारी इसी सोच के कारण अगर यह आयु 3 वर्ष बढ़ जाए तो संवैधानिक दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टि से मैं इसको बहुत सही मानता हूँ, क्योंकि 21 वर्ष तक लगभग लड़की स्नातक कर चुकी होती है, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, और उसके बाद अगर उसकी शादी की जाए और वो अपने मातृत्व का सुख प्राप्त करे तो वो शारीरिक रूप से भी परिपक्व हो सकती है और मानसिक रूप से भी अपने परिवार का पूरा भरण पोषण कर सकती है। चलिए ठीक है, प्रदीप जी जुड़े आप हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से संबल से सपा सांसद ने बयान दिया था कि 21 साल तक लड़कियां शादी करेंगी तो आवारगी होगी, क्या मानते हैं इस बयान पर? देखो ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, एक ही पार्टी से बयान नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि आबादी आधी आबादी जो हमारी है, क्योंकि कानून समय समय पर फैसले लेते रहते हैं, सदन हमारे कानून बदलता रहता है समय अनुसार, सुविधा अनुसार कानून हमेशा आगे बनते भी गए, पहले 14 वर्ष हुआ करती थी, फिर 18 वर्षों या 43 वर्ष किया है, क्योंकि पहले हमारे परिवारों में लड़कियों के स्कूल नहीं जाते थे, कुछ लोग शिक्षा में कोई महत्वपूर्ण योगदान महिलाओं का नहीं हुआ करता था। जब 18 साल की आई हुई तो हमारी बहन बेटियां पढ़ने भी लगी, स्कूल जाने लगी, अब तो वैज्ञानिक भी बनने लगी, IAS PCS भी बनने लगी है। बात कानून का नहीं है, कानून कागज में हमने बना दिया, लेकिन बात जमीन का इंप्लीमेंट का है कि हम जिनको ये अधिकार देना चाहते हैं वास्तविकता जमीन पर दे पा रहे हैं क्या? वास्तविकता उनको हम बराबर का अधिकार दे पा रहे हैं? आप इसी प्रदेश में जहां आप कानून की बात कर रहे हो कि 21 साल किया है, मेरा इस बात से कोई शक नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा क्या आप उनको ये कानून 18 साल शादी का आयु तो कर सकते हैं बालिग होने की, लेकिन क्या ये अधिकार कहां से लाओगे? क्या उसको सम्मान कौन देगा? क्या बहन बोटी बेटियों को खुलेआम घूमने की आजादी है? आज लगातार जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में, लगातार हाथरस में घटना हुई, हाथरस में बेटी को जिंदा जला दिया गया। प्रदीप जी कानून की बात अलग है, यहाँ पर मुद्दा केवल यह है, सपा इस निर्णय पे क्या प्रतिक्रिया सपा की है? नहीं, प्रतिक्रिया मैं वही दे रहा हूँ, आप कानून बनाना और उसका इम्प्लीमेंट करना, उसको जमीन चलाना, उस तरीके के अधिकार देना, ये दोनों बातों में अंतर है। हम लोग कहते हैं पढ़ेगी बेटी बढ़ेगी बेटी, लेकिन आज हमारी बेटी रोड पर नहीं घूम पा रही है, तो उस उम्र का हम ये कह रहे हैं कि जो हम कानून में अधिकार देना चाहते हैं वो बराबरी के अधिकार अपने घर में भी उनको दें, अपने उनकी सुरक्षा पर हम पूरा ध्यान दें, उनकी जिम्मेदारी हम लें, एजुकेशन की जिम्मेदारी हम लें, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लें, तो ये कानून तब असलियत कानून माना जाएगा। नहीं, कानून तो ठीक है, कानून का समर्थन करती है समाजवादी पार्टी की नहीं करती है, ये कानून ठीक है कि नहीं है? देखिए कानून तो सदन में पास हुआ है और ये आज पहली बार नहीं हुआ है, कभी आज से बहुत समय पहले 14 वर्ष उम्र थी, आज से 40-45 साल पहले जब 18 वर्ष की गई, तो ये पाइपलाइन में होते हैं, ये संवैधानिक बदलाव हर कानून में, चाहे पुलिस के अपराध में कानून के बदलाव हो, तमाम सदन में, चाहे वो न्यायालय में कानून धाराओं में बदलाव होता रहता है हमेशा, ये तो एक समय की मांग है, समय के अनुसार जैसे समय क्या मानते जो गवर्नमेंट का जो निर्णय है वो सही समय पे आया है? तो ये गवर्नमेंट का निर्णय क्यों, हम तो ये कह रहे हैं ये तो सबका निर्णय है, सब जानते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी निर्णय का स्वीकार करती है, इसका समर्थन करती है? नहीं, हम ये कह रहे हैं बात पार्टी की है नहीं, हमारा कहना ये है कि जिम्मेदारी कानून से ज्यादा जिम्मेदारी हमारी उनकी रक्षा करना है। इसी प्रदेश में लखीमपुर योजना हो, तमाम घटनाएं हुई है, तो वो तो 18 साल वाली बेटियों के साथ में हुई है और इसी सरकार में हुई है और इसी सरकार के तमाम केंद्र ने इनका गृहमंत्री था, फिर ये सेंगर इनका विधायक था, हाथरस में इनके जिलाधिकारी ने एक बेटी को रात को जला के मार दिया, तो आप बात इस बात की है कि जो हम जवाब ले लेते हैं, देशबंधु जी क्या कहना चाहेंगे? क्या उनकी हम सुरक्षा भी कर पाएंगे केवल कानून बना के? हम लोग देशबंधु जी क्या कहना चाहेंगे? क्या हमारी बहन बेटियों को रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? देशबंधु जी जब तार-तार बहन बेटियों के हो रही है भाजपा सरकार में, ना बेटी सुरक्षित है। प्रदीप जी जवाब ले लें, प्रदीप जी जवाब लेने दीजिए, देशबंधु जी क्या कहना चाहेंगे? देशबंधु जी आवाज आ रही है आपको मेरी? गौरव जी सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि ये संवेदनशील मुद्दा है, हमारे समाजवादी मित्र थोड़ा सहनशीलता और विनम्रता का परिचय दें, और रही बात इन्होंने बात की, इनके अभी आपने सांसद देखा शफीर को राम महन साहब का, इन्होंने कहा बयान व्यक्तिगत है, क्या कोई लड़की अगर 18 साल के बाद शादी होती है तो क्या आवारा हो जाती है? इससे पहले भी आपने देखा इनके संरक्षक आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने कहा बच्चे हैं गलतियां हो जा सकती हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपने अभी केरला में देखा हमारी जो है
प्रियंका वाड्रा यहाँ उत्तर प्रदेश में घूम घूम के महिलाओं का नारा लगा रही, और वहाँ के केरल के वाचस्पति, वाचस्पति मतलब विधानसभा अध्यक्ष, वहाँ का विधायक देखिए महिलाओं के बारे में शर्मनाक टिप्पणी करता रहता है। और यह जो इनकी जो सरकार थी जहाँ गुंडे माफियाओं का राज था, ये हमें बताएंगे, इनके संरक्षक कहते हैं बच्चियों से गलतियां होती हैं। बताइए कहाँ किस संविधान में किस नियम में लिखा है कि 18 वर्ष से अगर 21 वर्ष कर दी जाए तो लड़कियां आवारा हो जाएंगी। आप हमारी योगी जी की सरकार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। आज 4.5 साल में आप बताइए कोई ऐसा घटना हुई हो या कोई ऐसा अपराध हो। गुंडे माफिया आज जो है हमारे उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए हैं। जहां तक जस्टिस की बात हो और कानून व्यवस्था की बात हो, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ आंदोलन की आपने देखा उसकी कितनी सही प्रतिक्रिया भारतवर्ष में हुई, जहां 990 महिलाएं थी 1000 पुरुषों पे, आज वह रेशियो 1:21 है। जब हमारी बेटियां बढ़ेंगी और पढ़ेंगी तभी ये हम और आधी आबादी जब तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगी तब तक हम भारत के विकसित राज्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। और हमारे मित्र महोदय कहते हैं, इनके सांसद कहते हैं और कहते हैं व्यक्तिगत प्रमाण, जिसकी मानसिकता ये है। और इसके ऊपर भी मैं कहूंगा कभी भी इनके सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसके भर्सना है की और इनके इस बयान की मैं बुरी बुरी भर्सना करता हूँ। ये विपक्षियों का जो चाल है और दोहरा चरित्र है, ये दिखावे का अलग है। और हमारी कांग्रेस की नीतियां, यहाँ प्रियंका वाड्रा घूम घूम के महिलाओं को नौकरी, स्कूटी, लैपटॉप और चुनाव में टिकट देने का वादा करती हैं। और केरला के अध्यक्ष जो है महिलाओं के बयान पर मुस्कुराते हुए पेपर में फोटो छपती है। इस बात की मैं बहुत भर्सना करता हूँ और इस बात की निंदा करता हूँ। महिलाएं हमारी जब अपने पैरों पे खड़ी होंगी, शिक्षित होंगी बच्चियां, तभी हम हमारा भारत जो है आगे बढ़ेगा। और इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है। जवाब लेते हैं प्रदीप जी, जवाब लेते हैं प्रदीप चौधरी सर, उनसे संपर्क टूट गया है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि शायद संपर्क जुड़ गया है। प्रदीप जी आवाज सुन पा रहे हैं मेरी जी? प्रदीप जी, देशबंधु जी बोल रहा है कि व्यक्तिगत बयान को उनको व्यक्तिगत बयान बोल रहे हैं, पर यहाँ पर लगातार अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि समाजवादी पार्टी इस जो निर्णय आया, जो प्रस्ताव पास हुआ है, हालांकि कानून बनने तक तमाम संशोधन होंगे विवाह अधिनियम में, तो क्या मानते समाजवादी पार्टी इस जो कानून आने वाला है, जो प्रस्ताव पास किया गया है, उसके पक्ष में है या विपक्ष में है, क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा ना, हम पक्ष विपक्ष की बात ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा कानून ला तो अच्छी सुरक्षा दो उनको, अच्छी जिम्मेदारी दो उनको, अच्छी एजुकेशन दो, अच्छा स्वास्थ्य दो, अच्छी शिक्षा दो। कानून से भला होने वाला नहीं है, भला व्यवस्था देने से होगा। भला जो होगा उनको शिक्षा देने से होगा, उनको अधिकार देने से होगा, और बहन बेटियां हमारी सुरक्षित रहे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अच्छी नौकरी पाए, अच्छा परिवार चलाए, इससे भला होगा। वो व्यवस्था, वो व्यवस्था है प्रदीप जी, दूसरी है। माँ बहन बेटियों को जिंदा जला दिया क्या? जिला पंचायत चुनाव में आपने देखा होगा माँ बहन बेटियों के कपड़े उतार लिए, तमाम पर्चे छीन लिए, ये बात करेंगे तो ये कानून का एक सदन का हिस्सा है। समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। आज ये कल हम आएंगे, हम और कोई परिवर्तन करेंगे, कल कोई और आएगा और परिवर्तन करेगा। सदन की कार्यवाही नहीं रुकती है। संसद और लोकसभा राज्यसभा अपना कानून समय समय पर पास करते बनाते बिगाड़ते रहते हैं, लेकिन आपकी नियत क्या है ये महत्वपूर्ण है। आप उनको समझ क्या रहे हैं वो मैं क्या नियत है भैया देशबंधु जी? हाँ इनके क्या नियत है बताओ? आपने कभी सुना हिंदू धर्म में अब हाथों की नियत की बात करते हैं? उन्नाव की घटना उसके राज्य लोक सेवा आयोग को यादव सेवा आयोग बना दिया गया, जहाँ चमन के चमन भ्रष्टाचारी रहे, यहाँ के थानेदार यादव चलाते थे। एक एक करके बोलिए, एक एक करके, एक एक करके बोलिए भाई, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, आवाज साफ नहीं आती है। दो शब्द नहीं बोलती है महिलाओं के बारे में। आज तमाम घटनाएं इनके यहाँ हो जाती है, अभी सीतापुर में हो गई, अभी लखीमपुरी में खेल में घटना हुई थी। तो ये महिलाओं का बात बीजेपी के लोग गाल ज्यादा बजाते हैं, महिलाओं का सम्मान नहीं करते। तिरमन उनका केस वापस लिया, कौन नहीं जानता है विक्टिम को, इन्होंने बेचारी लड़की थी उसको जेल भेजने का काम किया, भाई को डराने का काम किया। ये लोग महिलाओं की बात करेंगे? जवाब लेते हैं जसमंदी जी, जवाब दीजिए, क्या कहना चाहेंगे? प्रदीप जी, आपके संरक्षक है मुलायम सिंह यादव, वो तो कहते हैं बच्चे गलतियां कर लेते हैं। आप पूछ लेंगे या उनका व्यक्तिगत चुनाव है?
या ये उनका व्यक्तिगत फैसला है? शफीकुर रहमान साहब कहते हैं कि 18 साल के ऊपर अगर बेटियों की शादी नहीं होगी तो वो आवाज हो जाएंगी, ये उनका व्यक्तिगत प्रणाम है, आप पूछ सकते हैं उनसे, आप नहीं पूछ सकते हैं। यह आपकी पार्टी की मानसिकता दर्शाता है और आपकी पार्टी की मानसिकता यही है कि आपकी गुंडे माफिया आयोग जो है यादवों का भ्रष्टाचार थाने जो है वो आपके आपके सरकार के गुंडे चलाते थे। और कहने की बात है सुनने की, आप हमसे प्रश्न पूछते हैं, हम फंसने के बाद कहते हैं कहाँ लिखा है? एक करके प्रदीप जी आपकी बारी आएगी, प्रदीप जी आपकी, प्रदीप जी आपकी बारी आएगी, जवाब ले लेते हैं आपकी बारी आएगी, प्रदीप जी आपकी अभी आपकी बारी आएगी, अभी लेते हैं आपको। हाँ देशबंधु जी बताइए, बोलिए देशबंधु जी, से बात करिए, बोलिए, हेलो, अपनी बात पूरी करिए। मैं गौरव जी अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ। हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता में देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन था। इनकी सरकारों ने क्या किया पिछले 15 साल काल में? लूट खसोट के अलावा कुछ नहीं किया। कहीं अस्पताल बने, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बना, कहीं जाके इन्होंने किसी की मदद की? कोरोना काल में केवल कमरे में बैठ के ट्विटर का काम करते रहते हैं। अरे आप बताइए अगर आज इसका परिणाम, कोरोना काल की बात अलग है, यहाँ कोरोना की बात नहीं चल रही है देशबंधु जी। ये जो मुद्दा है 18 से 21 साल किया गया है इसमें आपका मान लिया देश पर खड़े हो जाओगे भाई, अंग्रेजों के आरएसएस बाबा सावरकर के वीर के तुम। लेकिन वो बोले ना बच्चियों से गलतियां हो जाती है, ये तो आपकी लाल टोपी की मानसिकता बता देती है कि जैसा रंग है वैसा पुराना बयान है, जैसी संगत। अरे आपके संरक्षक अभी है ना, आपका बयान है, अरे हालिया बयान आप देख लीजिए, अरे भाई एक एक करके बोलिए, पुराना बयान है, जवाब चौड़ी जवाब दीजिए, बताइए प्रदीप जवाब दीजिए, प्रदीप जी बताइए। हाँ, क्या कहा है मैंने, उसको समझ में नहीं आया मेरी में। इनका कहना है देशबंधु जी, दोबारा बोलिए क्या बोलना चाह रहे थे? आवाज नहीं आ रही, आप ही बता दीजिए, मैं जवाब दिखाऊंगी। देशबंधु रिचिर जी अपना बयान दोबारा बोलिए, क्या बोलना चाह रहे थे? इनकी आवाज नहीं आ रही है भाई, बोलिए बोलिए रिचिर जी बोलिए, आवाज नहीं, संपर्क नहीं हो पा रहा है, इनकी नहीं है। इनका बयान केवल इसी बात पे था कि जो मुलायम सिंह यादव ने कहा था कुछ समय पहले कि गलतियां हो जाती हैं, उसी पे बयान पे बोल रहे थे। क्या जवाब रहेगा आपका? देखो ये इनके पास दो ही बातें जीती थी टेप रिकॉर्डर, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता आते हैं उनको पार्टी कार्यालय से टेप रिकॉर्डर मिलता है, उनके चले आते हैं, उनको वही पटना है। आज परिवर्तन कहाँ हो रहा है? आज परिवर्तन की बात करिए, महिला सुरक्षा की बात करिए, उनको अधिकार की बात करिए, रोटी की बात करिए, रोजगार की बात करिए। इनकी सरकार में तो बहन बेटियों की इज्जत तारतार हुई है, तो जला के मारा गया जगह जगह। आज की विधानसभा क्या में लाठियों से पीटा गया है टीवी वालों को? क्या बहन बेटियां नहीं थी उसमें हमारी? क्या तिनवा में मैंने जो घटना की थी उसका केस वापस लिया योगी आदित्यनाथ ने? उस बेटी को डरा धमका करके केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया? उन्नाव की घटना नहीं देखी आप? उसके माँ बाप को, भाई को मरवा दिया, वकील को मरवा दिया इनके विधायक ने, यहाँ पे इनके कलेक्टर को नहीं हटाया गया और उसने मिट्टी का तेल डला के बेटी मनीषा वाल्मीकि को जला दिया गया? ये बात करेंगे संस्कार अधिकार संसद में जो कानून बनता है समस्या प्रवक्त क्या जवाब देंगे देशपांडे जी? जी जबरदस्त जवाब दीजिए। सरकार कोई आए कानून हमेशा परिवर्तित रहता है, अधिकार हुकूमत संसद में मिलती रहती है। प्रदीप चौधरी कह रहा है कानून कोई भी आए, अधिनियम कोई भी आए, कानून बनते बिगड़ते रहते हैं, पर उनका कहना है जो महिलाओं के लिए है वो जो दावे सरकार करती है उन दावों क्या जी पाएगी आपकी आपके समय में? दीक्षित जी जवाब दीजिए, क्या कहना चाहेंगे? आजादी रहेगी? आप कहते हो रात को 12 बजे आपका गृहमंत्री कहता है कि महिलाएं रात को 12 बजे रोड पर घूम सकती है और उसी दिन लखीमपुर खीर में नाबालिग बेटी का जवाब ले लेते हैं। प्रदीप जी जवाब लेते हैं, दीक्षित जी जवाब दीजिए, देशबंधु रिचित जी आपको मेरी आवाज आ रही है? दीक्षित जी आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रदीप जी जी अपनी बात जारी रखिए। भाई मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब आपसे बात काम आपको मैंने आपकी मैं मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मदद आपको दिखे भाई ये यत्र कृषि कानून का हुआ था, कह रहे हैं किसानों के हित में लाए, किसान उसके लास्ट में प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ी ना, जब किसान उसको इसमें मान ही नहीं रहे तो कानून वो जिसके हित में हो करते उनसे तो पूछ लीजिए आप।
कानून को जमीन पर उतार दिया, कानून को जो जिसके लिए कानून बनाया उसको उस कानून का फायदा हो। जब बहन बेटियां सुरक्षित नहीं निकल पाएंगी तो कानून का क्या फायदा, चाहे 18 साल हो चाहे 21 साल हो। आज जिस तरीके की बहन बेटियों पर अत्याचार बढ़े, जवाब लेते हैं, बलात्कार बढ़े, इनके एनसीआर में क्या आंकड़े बता देते, ये भी छुपाते। और अब इनकी बौखलाहट है, सदन जाने वाला कल विदाई समारोह इनका हो गया सदन में, अब ये लाख जतन करें वापस नहीं आएंगे। और यही महिलाएं जो प्रदेश की महिलाएं, यही इनको कोर्ट की चोट करके विदा करने का काम करेंगी। प्रदीप जी आपको जिस तरीके का ये बौखलाहट है, ईडी सीबीआई इनके क्षेत्र में घूमने आते चुनाव चालू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में, कलकत्ता में जो बंगाल में जो किया था वही यूपी में चालू कर दिया है। कोई भी नवीन पटवाय का हेलीकॉप्टर चेक करा दिया था, गलत पर चेक करा दिया था, केजरीवाल के मतलब मिले थे, यहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा। अगर छापा मारना है तो अमित शाह के बेटे चले जवाब लेते हैं देशबंधु ऋषि जी, जवाब है नहीं इन पे, जवाब दीजिए, क्या कहना चाहेंगे प्रदीप चौधरी जी के? देखिए व्यर्थ में गला फाड़ने से गौरव जी और चिल्लाने से कुछ नहीं होता। गला तो प्रधानमंत्री फाड़ने रोजाना यूपी आ रहे, भारत में कोई सुधार आती नहीं बचा है। आप ऐसा लग रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए मोदी जी आकर के, प्रधानमंत्री बचे ही नहीं है। अब गला तो वो फाड़ रहे यार, एक एक करके लेते प्रदीप जी एक मिनट एक बात ले लें, बताइए ऋषि जी। प्रदीप जी गला फाड़ने से कुछ नहीं होता, पहले मेरी बात साफ शांति से सुनिए। जब से हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री की 2014 में सरकार बनी, जनता जनार्दन सब जानती है, आप टीवी के हमारे जो दर्शक है प्राइम टीवी के वो बहुत समझदार और बुद्धिमान है, आपके चिल्लाने से वो फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारी सरकार और ये प्रधानमंत्री कौशल विकास हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और उसके लिए वचनबद्ध है। पहले दिन से ही हमारी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का पूर्णतः पालन किया, और आपके गला फाड़ने से और आपके आक्षेप लगाने से नहीं। 2017 इससे पहले के चुनाव में भी दो युवा राजकुमार आपके घूम रहे थे, और उसी मानसिकता की उनकी बहन यहाँ महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रही है, और उन्हीं की सरकार केरला में है जहाँ के वाचस्पति, यहाँ वाचस्पति यानी विधानसभा अध्यक्ष, एक एमएलए ने जब शर्मनाक बयान महिलाओं की सुरक्षा के बारे में दिया तो उस पर मुस्कुरा रहे थे और हंस रहे थे। और आपको बताऊं, आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को आप जानते होंगे न्यायालय ने बर्खास्त किया, तो कितनी ईमानदार सोच है और कितनी अच्छी सोच है। ऋषि जी तुम्हें गला फाड़ने से या नहीं होता, चलिए गला फाड़ने कुछ नहीं होता। प्रदीप चौधरी जी ऋषि जी कह रहा है गला फाड़ने कुछ नहीं होता, क्या कहना चाहेंगे? लोगों ने तरक्की के लिए वोट किया, लोगों ने खुशहाली के लिए वोट किया था, रेलवे रेलवे एलआईसी बेचने के लिए बोली, इंडियन ऑयल बेचने के लिए वोट दिया, सारी बैंकें हड़ताल पर हैं, आपकी सारी भर्तियां लीक हो जाती हैं। मैं पूछना चाहता हूं कब तक प्राइवेटाइजेशन करके लोगों को बेरोजगार आप करेंगे? 4.5 करोड़ रोजगार इस देश में से गायब हो गए, 68,000 रोजगार इसी साल गायब हुए हैं, बैंकें हड़ताल पर हैं, रेलवे बेच दिया आपने, एयरपोर्ट आपने बेच दिए, क्या देश ने आपको बेचने के लिए वोट दिया था, बनाने के लिए दिया था? आप दूसरों भाई यहाँ पर आपने प्रदीप जी यहाँ पर मुद्दा दूसरा है, सुई नहीं बनाई है आपने 70 साल करके, और आपने 70 साल का कमा हुआ बेचने का काम किया है। जवाब लेते जल्दी बताइए, कम शब्दों में प्रदीप जी, अगर मैं मुद्दे पे ना बटू, मेरे ख्याल से आपका मुद्दा था महिला मुद्दों पर, आप आने ही नहीं चाहते ना, आप तो मुद्दा तो आप ऐसे नहीं करना चाहते प्रदीप जी, आप अरे प्रदीप सड़क पे करोगे ना, बिजली पे करोगे, आप करोगे राम पे करोगे रहीम पे करोगे, मुद्दा तो नहीं करना चाहते, काम पे बैठ करिए ना किसान। एक एक करके बताइए भाई, समय कम है, एक एक करके बताइए। प्रदीप जी ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए, और जो आपने बोला ब्लड प्रेशर तो आपके हमारे अच्छे हमारे उत्तर प्रदेश सपने में भी उत्तर प्रदेश दिखाई देता है, ब्लड प्रेशर हमारा नहीं बढ़ा है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा, यात्रा चल रही है चुनाव से पहले ही, चले ठीक है, हमारे अच्छे कार्यक्रम इकाई का परिणाम है कि 2014 में हमारी सरकार आई, 2017 में हमारी सरकार आई,
2019 में हमारी सरकार आई और 2022 में हम फिर आएंगे। हम यह कार्य नहीं करते हैं। हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नहीं बचा, सीबीआई के अलावा कोई भी, संजय निषाद भी छोड़ के जाने वाला है, अनुप्रिया पटेल भी जाने वाली है, और आपके 50 मंत्री विधायक हमारे यहाँ चक्कर काट रहे हैं। चलिए, यहाँ पर दल बदलने की बात नहीं है, मंत्री विधायक कहीं भी जाए उससे कोई फर्क नहीं, इनको बताना चाहो, सपने देख रहे हैं, पूरे सत्यानाश कर दिया उत्तर प्रदेश का। आदि आबादी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, कन्या विद्यादान बहनों को मिलेगा, साइकिल बहनों को मिलेगी, लैपटॉप बहनों को मिलेगा, शिक्षा फ्री होगी, पढ़ाई फ्री होगी, दवाई फ्री होगी। चलिए, अभी आपको सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। चलिए चलिए चलिए, रास्ता बाहर का हो अंदर का उससे मतलब नहीं है, पर यहाँ पर बात 18 साल से 21 साल तक की आबादी जो महिलाओं हैं उनकी उम्र की गई है वो मुद्दा है। अपनी अपनी बात कम शब्दों में, प्रदीप जी ऋषि जी, मैं मुद्दा यहाँ पर 18 से 21 साल का रखा हुआ हूँ, यहाँ पर मुद्दा कोरोना का, यहाँ पर दल बदलने का मुद्दा यहाँ वो मुद्दा नहीं है। यहाँ मुद्दा मेरा केवल ये है, अपने कम समय में अपना जवाब दीजिए प्रदीप चौधरी जी, कि ये जो कानून प्रस्ताव पास हुआ है महिलाओं के लिए हुआ है जी, क्या लाभान्वित होगी और समाजवादी पार्टी का क्या पक्ष है इस कानून के साथ? मेरा पक्ष ये है, कानून की जो भी कानून बने उससे पहले महिलाओं को, हमारी आदि आबादी को, बहन बेटियों को सुरक्षा मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, रोजगार मिले, उनकी बेहतरी के लिए कार्य हो, उनके साथ दुर्घटना ना हो, उन्नाव जैसी घटना या हाथरस। अरे मुझे उन्नाव हाथरस बाजी वो ठीक है, महिलाओं की जो समस्या है, क्राइम कंट्रोल है, तमाम चीजें है, मैं सहमत हूँ। मुझे केवल इतना बताइए प्रदीप जी, मैं कानून का लाभ होगा, मेरी बात तो सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सवाल ले लीजिए। मेरा कहना केवल इतना है, मैं कम शब्दों में आपका जवाब चाहता हूँ, जो 18 साल से लेकर 21 साल का जो उम्र की गई है वो सही है या नहीं, समाजवादी पार्टी का केवल ये पक्ष बताइए हमको बस। समाजवादी पार्टी किसी पक्ष पे, मैंने कहा ना, हम किसी के विरोध में नहीं है, हम अगर विरोध में है तो नीतियों के विरोध में, विरोध में नहीं है, नीतियों के विरोध में है, इस कारण के विरोध में नहीं है समाजवादी पार्टी कह रही है, हम नीतियों के विरोध में है, सुविधाओं के विरोध में है, समाजवादी पार्टी इस कानून के साथ में है, फिलहाल तो अभी इनका यही कहना है। घटना ना हो, उन्नाव जैसी घटना ना हो, हाथरस जैसी घटना ना हो, रायबरेली जैसी, समाजवादी पार्टी इस कानून के साथ में है, फिलहाल नीतियां बदली जाए, नीतियों में समीक्षा जरूरी है। देशबंधु ऋषि जी क्या कहना चाहेंगे, कम शब्दों में जवाब दीजिए। गौरव जी, मैंने पहले ही कहा, नीति और नियत हमारी स्पष्ट है, हमारी सरकार जब से बनी हो, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, जितने भी मुद्दे हैं, 15 वर्ष तक सपा और बसपा ने हमारे देश को केवल लूटने खसोटने का काम किया है। आज ये महिलाओं की बात कर रहे हैं तो इस पे मुझे हंसी आती है, इसके अलावा मैं कुछ कह नहीं सकता। चले ठीक है, जो अभी जनता आप पैसे की थोड़ी देर बाद नहीं, चलिए आप दोनों का समय देने के बहुत धन्यवाद, जनार्दन बहुत समझदार है, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जनता जनार्दन, तो आज की इस वीकेंड चर्चा में हमने देखा कि तमाम बातें हुई, कभी बातें कोरोना पर चली गई, कभी बातें चली गई दल बदलने पे, कभी महिला सुरक्षा पर चली गई, कभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर चली गई, पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक कानून आने वाला है इसको लेके जो लोगों की प्रतिक्रिया है वो उनकी खराब मानसिकता की परिचायक है। जिस तरह से लोग बयान देते हैं, बताते हैं कि किस तरह से महिलाएं आबादगी करेंगी, अरे कानून महिलाओं की मातृ दर को कम करने के लिए आया है, ये कानून महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वाभिमानी बनाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए आया है, यह कानून उन लोगों के लिए आया है जो अभी भी अपनी स्वतंत्रता के लिए तरस रही हैं, यह कानून उन लोगों के लिए आया है जो अब भी ये चाहती हैं कि वो महिला की तरह देश की बागडोर में, देश के नेतृत्व में, देश के विकास में कदम से कदम मिला के चल सकें। तो ये कानून उन लोगों के लिए आया है, उस आदि आबादी के लिए आया है जो इंसान को जन्म देने के साथ साथ हर उस चीज़ में इंसान के साथ रहती है, देश के साथ रहती है और विकास में उतनी ही मुश्तरी के साथ जुटी रहती है जितने की पुरुष। पर इस देश में जिस तरह से इस कानून की बात हुई, प्रस्ताव आया और विरोध के सर उठते हैं, मुझे एक चीज़ जरूर साफ करती है कि आज भी देश में पुरुष प्रधान समाज महिलाओं को कुछ नज़रिए से देखता है कि अगर महिलाओं की शादी जल्दी नहीं होगी तो वो आवारा हो जाएगी, जो कि खराब मानसिकता का परिचायक है। जिस तरह के बयानबाजी हुई है, केवल माफी मांगना ही इसका उत्तर नहीं है, सबसे पहले बदलनी होगी, तो बदलनी होगी हमको देश की क्या, पूरे विश्व की, कुल मिला के महिलाओं के प्रति अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा कि महिला ही आदिशक्ति है और महिला ही वो
क्षमतावान होते हैं कि देश के विकास में कदम से कदम मिला के चलते हैं, उनको भी हक है कि उनकी भी मातृ मृत्यु दर में कमी आए, उनको भी हक है कि वो सशक्त बने, उनको भी हक है कि वो आगे बढ़ के देश का प्रतिनिधित्व करें। तो आज के वीकेंड चर्चा में इतना ही, आने वाले समय फिर देखेंगे। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।